आज हम बनाएंगे कच्चे आलू का पराठा, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही कम समय के साथ में बन के रेडी होता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कच्चे आलू से पराठा कैसे बनता है, तो ये देखने के लिए आप वीडियो में बने रहे और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विलेज कुकिंग। तो चलिए फिर इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिनको मैंने छील लिया है, और एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे टमाटर और प्याज को लिया है, और यहाँ पे साथ में ले रही हूँ मैं 3 से 4 हरी मिर्च, और साथ में हरा धनिया लिया है मैंने ताज़ा फ्रेश। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 3 मीडियम साइज़ की कटोरी ली है छोटी छोटी, एक कटोरी आटा गेहूँ का आटा, और एक कटोरी बेसन, और एक कटोरी मैंने सूजी ली है। यहाँ पे सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर लेना है, और टमाटर प्याज हरी मिर्च हरे धनिया को भी हमें काट लेंगे साथ में ही। और यहाँ पे कद्दूकस करते समय आलू को ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ बारीक की तरफ से ही कद्दूकस करना है, मोटे की तरफ से ना करें। यहाँ पे देख लीजिए, हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है, और आलू को कद्दूकस करने के बाद में हमने 3 से 4 बार इसको पानी में अच्छे से धो लिया है, और साथ में हरी मिर्च प्याज और टमाटर को भी ऐसे बारीक बारीक करके काटा है। यहाँ पे मैंने एक भिगोना लिया है, तो उसमें हमने डाल दिए हैं आलू, और साथ में सभी चीज़ें डाल देंगे हम इसमें, टमाटर प्याज हरी मिर्च हरा धनिया, और साथ में ही मैं यहाँ पे डाल दूंगी आटा। और अगर आप इसकी जगह गेहूं के आटे की जगह आप यहाँ पे चावल के आटे का यूज करेंगे तो हमारे पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। चलिए अभी सूखे मसाले भी डाल देंगे। यहाँ पे आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, और आधी चम्मच लिया मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर, और आधी छोटी चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, और एक चम्मच डालूंगी मैं यहाँ पे कस्तूरी मेथी। और कस्तूरी मेथी मैं इसलिए डाल ली हूँ ताकि हमारे पराठे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है, और इसमें पूरा आधा गिलास पानी का यूज हुआ है। तो अभी हमें इस बैटर को ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, तो 1 घंटे के लिए हम इस बैटर को छोड़ देंगे ताकि हमारा बैटर ये अच्छे से फूल जाए। अभी देख लीजिए, पूरा 1 घंटा हो गया है हमारे बैटर को रखे हुए, और ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है। ज़्यादा पतला हमें इस बैटर को नहीं रखना है, थोड़ा थिंक ही रखना है, और अगर हमने इसको ज़्यादा पतला कर दिया तो हमारे पराठे उतने अच्छे नहीं बनेंगे। आलू के पराठे का और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए आज हम मिट्टी के चूल्हे पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, और तवे को मैं ऐसे ऊपर से तेल लगा दूंगी। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तेल लगा के चिकना कर दिया है मैंने तवे को, और यहाँ हमने पहले नमक का यूज़ नहीं किया था, तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दी है, 1 या 1.5 चम्मच डाली है। तो आप यहाँ पे नमक अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल लीजिए, और नमक डालने के बाद में अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और पहले हमने इसमें नमक इसलिए नहीं डाला था ताकि हमारा बैटर पतला ना हो जाए ज़्यादा, और ऐसे हल्के हल्के हाथों से हमें इसको चारों ओर ऐसे चमचे से फैला देंगे। अभी देखिए, मैंने चमचे से इसको चारों ओर फैला दिया है, और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपको इसे फैलाना है। अभी एक तरफ से हमारा पराठा सिक गया है, तो चलिए अभी इसको दूसरी तरफ से पलट देते हैं, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आलू के पराठे को हमें ऐसे ही सेक लेना है अलट पलट के, और दोनों तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा तेल भी हम साथ में लगाते जाएंगे। और यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ पराठे बनाने के लिए, आप चाहे यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। आलू के पराठे का कलर देख सकते हैं आप लोग, कितना ज़्यादा सुंदर आया है, और देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में उससे भी 100 गुना टेस्टी लगने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, हमारा पराठा दोनों तरफ से कितने अच्छे तरीके से सिक गया है, तो हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है, और बाकी के बचे हुए पराठे भी हमने उसी तरीके से बना लिए हैं। तो यहाँ पे सभी पराठे हमारे बन गए हैं, और ये आलू के पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और इस तरीके से आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं आलू के पराठे इस तरीके से। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी के साथ में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब।